नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। और कल भारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार में कामकाज देखने को मिला, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने अपने आप को अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश की और निफ्टी 11650 के पार कामकाज करने में और क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स में 200 अंकों के ऊपर की तेजी का रुझान क्लोजिंग के दरमियान देखने को मिला। लेकिन इस बीच आपको आज के अहम संकेत से वाकिफ करा देते हैं, जो कि आज पूरा दिन बाजार को इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। और एशियाई बाजारों की अगर बात करें, विदेशी बाजारों की शुरुआत की अगर बात करें, तो यहां पर कमजोरी का रुझान बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 11700 के लेवल्स को पचाने की, 11700 के लेवल्स को संभाल कर रखने की पूरी कोशिश में 11716 के स्तर पर फिलहाल लाल निशान के साथ ही यहां पर ओपनिंग होती हुई दिख गई है। साथ ही अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, तो वहां पर भी कल के दिन बिकवाली का दबाव देखने को मिला। देखिए, डाउ जोन्स करीब 190 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। साथ ही नैसडेक और S&P में भी कल जब क्लोजिंग देखने को मिली, तो लाल निशान के साथ ही कामकाज दिखा। लेकिन उसके अलावा तमाम एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, इस पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। हांगकांग के बाजार और साथ ही तमाम एशियाई बाजार निक्के में 142 अंकों की बिकवाली है। हांगकांग के बाजार भी करीब 124 अंक गिरकर फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। 30,000 के ऊपर के लेवल्स पर यहां कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए, और भी अहम संकेत हैं जिन पर एक बार नजर बना लेते हैं। ग्लोबल बाजार जिस तरह से मैं बता रही हूं, यहां पर कमजोरी का रुझान तो दिखा ही रहे हैं। साथ ही अब यूरोपियन यूनियन पर नए टैरिफ लगाएगा US, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। और इस खबर का असर क्या होता है, देखना अहम होगा। यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका, करीब 11 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने का विचार अमेरिका की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। लेकिन IMF ने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान भी घटाया है। 2019 के लिए ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3.5% से अब 3.3% कर दिया गया है। भारत की ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो IMF की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आता हुआ दिखा है। और साथ ही करेंसी और एनर्जी पैक हमारे हक में है। कल की क्लोजिंग के दरमियान रुपए में मजबूती का रुझान बिल्कुल देखने को मिला था। करीब 38 पैसे की मजबूती के साथ रुपए में कामकाज होता हुआ दिखा। और साथ ही क्रूड की अगर बात करें, तो क्रूड में दिख रहा है दबाव। करंट लेवल्स पर भी जो लेवल्स क्रूड में देखने को मिल रहे हैं, इसका असर अब भारतीय बाजार पर कैसे पड़ता हुआ दिखेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। और साथ ही HDFC बैंक में बिकेगा 0.5% का हिस्सा। तो ये खबर का असर HDFC बैंक पर क्या होता है, कारोबार खुलने पर स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ये देखना अब जरूरी होगा। HDFC बैंक आज फोकस में रहेगा। तो चलिए, सेंसेक्स निफ्टी फिलहाल 11719 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। विदेशी बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं, कल कमजोरी का आलम था, और साथ ही कल अमेरिकी बाजार में कमजोरी का रुझान क्यों बरकरार रहा, और साथ ही आज एशियाई बाजार खुलने के साथ क्या लेवल्स दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इन पर बात करेगी। और आज स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए फिर से हर रोज की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर रणिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत संदीप आपसे ही करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं इतनी कमजोरी विदेशी बाजारों में क्यों देखने को मिल रही है। देखिए, जैसे आपने कहा, IMF ने अपना जो ग्लोबल ग्रोथ अनुमान है उसे कम किया है, 3.5% था पहले, उसे घटाकर 3.3% किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि IMF ने अपना जो ग्लोबल ग्रोथ अनुमान है उसमें कमी करी है। पिछली बार ये घटाकर 3.5% किया गया था, अब उसे 3.3% कर दिया गया है। यही कारण है कि आज देखिए एशियन मार्केट की शुरुआत कमजोरी के साथ देखने को मिली, खासतौर पर निके जैसे मार्केट देखिए 1% के आसपास की गिरावट वहाँ है। और सेंसेक्स निफ्टी 11700 का जो लेवल है उसे होल्ड करने की पूरी कोशिश देखने को मिले। लोअर लेवल से हल्की रिकवरी हुई, लेकिन अब भी 1/4% के आसपास की कमजोरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। US के मार्केट्स कल गिर के बंद हुए, डाउ में करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट थी। कल फिर से कमजोरी का रुझान दूसरे दिन देखने को मिला। दरअसल नतीजे आने वाले हैं, और इस बार जो नंबर्स आने वाले हैं US के मार्केट्स में, उम्मीद बहुत कम है, और खराब नंबर्स की जो आशंका है वो काफी ज्यादा है। शुक्रवार से ये आगाज हो जाएगा नंबर्स का, और उससे पहले आप देखिए थोड़ी सी नर्वसनेस अमेरिकन मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स भी कल गिर के बंद हुए, क्योंकि जैसे आप पहले भी कह रही थी कि जो 11 अरब डॉलर के जो यूरोपीय उत्पाद हैं उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाने की बात US ने करी है। दरअसल एक WTO का फैसला है, जिसमें उन्होंने एयरबस को जो सब्सिडीज दी जाती है यूरोपियन यूनियन की ओर से, उसमें उन्होंने कहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है US के ऊपर, काफी एडवर्सली देखने को मिल रहा है। तो उसके जवाब में ट्रंप ने इनफैक्ट एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा, फिर अगर ऐसी बात है तो यूरोपियन यूनियन कम से कम 11 अरब डॉलर के जो उत्पाद हैं उनके लिए ड्यूटी के लिए तैयार हो जाएं। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिला था। 1% तक की गिरावट वहां देखने को मिली।
केवल अगर राहत की बात है तो वो क्रूड के फ्रंट पे है। कल $71 का जो लेवल है उसके नीचे क्रूड आता वो देखा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि जून में जो ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें रूस ने ऐसा इंडिकेट किया है कि हो सकता है कि वो ऐसा सुझाव दें कि वो अपना जो आउटपुट है, अपना जो उत्पादन है, उसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो उससे थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिली है। $71 के नीचे अब क्रूड के जो लेवल्स हैं वो हमने कल आते हुए देखे थे। अब भी अगर आप देखें 71 के जो लेवल्स हैं उसके नीचे ही क्रूड आपको नजर आएगा। तो बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, केवल क्रूड एक राहत की बात है और कल रुपया मजबूत हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कमजोरी के इंडिकेशंस दे। चलिए तो बिल्कुल सपोर्ट थोड़ा सा भी अगर मिल रहा है तो रुपए से मिल रहा है और साथ ही क्रूड में जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इसका अगर सपोर्ट मिलता है भारत के बाजार को तो देखना बेहद अहम होगा। और साथ ही रुपए में जो मजबूती के साथ क्लोजिंग कल देखने को मिली है इसे देखते हुए आज की ओपनिंग देखना बेहद जरूरी होगा। संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आप देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, FIIs DIIs की तरफ से रुझान कैसा रहा। FIIs ने कैश मार्केट में 1212 करोड़ की खरीदारी की है, साथ ही DIIs ने कैश मार्केट में करीब 690 करोड़ की बिकवाली की और FIIs ने FNO स्पेस में करीब 34 करोड़ की बिकवाली का रुझान दिखाया है। और साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या रुझान है ये देख लेते हैं। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 212 करोड़ की बिकवाली की है, इंडेक्स ऑप्शंस में 386 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से हुई और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 228 करोड़ की बिकवाली का रुझान FIIs की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार काफी कमजोर आज देखने को मिल रहे हैं, हांगकांग एसडीएक्स निफ्टी बिकवाली के साथ ही शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। क्रूड और रुपए की मजबूती जो देखने को मिल रही है, रुपए में जो मजबूती का रुझान है उसका सपोर्ट भारतीय बाजार को मिल पाएगा? देखिए, रुपए की मजबूती की वजह से कल भारतीय बाजार रिकवर होकर दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए हैं। आज शुरुआत तो कमजोर होगी क्योंकि कच्चा तेल है, ठीक है, बड़ा नहीं है लेकिन 70-71 की रेंज में है और रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है उससे कल हम बढ़ पाए हैं, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला है बाजारों में क्योंकि आप देखिए ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों पर कुछ न कुछ वजह से खरीदारी आ जाती है और ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों पर आप जैसे जाते हैं कुछ न कुछ वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग रेंज बाजार के लिए रह सकती है वो 11,600-11,725 ये 125 पॉइंट की रेंज है जिसे आप ट्रेडिंग रेंज मानकर चले। इस रेंज के किसी एक तरफ अगर बाहर निकले तो 50 पॉइंट का एक अतिरिक्त मूव और आ सकता है, यानी कि 11,600 के नीचे फिर से तो 11,550 तक की जगह बनती है और वो एक बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर अगर 11,725 को पार किए तो 11,761 का जो लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास हम पहुंच सकते हैं, तो इस रेंज में बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेगा ऐसा मुझे लगता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 30,000-30,200 ये छोटी रेंज बैंक निफ्टी की नजर आती है, इस रेंज के बाहर जिस तरफ कहीं निकला वहां पर आपको लगभग 150 पॉइंट का एक एडिशनल मूव मिल सकता है, यानी कि अगर आप 30,000 के नीचे फिसले तो 29,850 अगला लेवल होगा और 30,200 के पार निकले तो 30,350 तक जाने की संभावनाएं बनती है, ये बैंक निफ्टी में हो सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि निचले स्तरों से लगातार खरीदी आती हुई दिख रही है और ऊपरी स्तरों पर कुछ न कुछ खबरों की वजह से प्रॉफिट बुकिंग, रेंज बाउंड ट्रेड रहने के आसार है, दोनों तरफ मौके मिलेंगे। जी बिल्कुल अनिल सर, साथ ही अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी भी दिखाई है, इस खबर का असर क्या दिखेगा, क्या विदेशी बाजार और सुस्त होंगे इसकी वजह से? हल्का असर पड़ सकता है मानसी, जाहिर सी बात है कि ट्रंप साहब के ट्वीट को आप हल्के में तो ले नहीं सकते, थोड़ा बहुत रिएक्शन तो देना पड़ेगा, बड़े दिनों बाद किया भी उन्होंने, किसी को डांटा है तो उतना असर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मूड बिगाड़ दे, यू टर्न ले ले। सबको पता है कि जब वो चीन के साथ कुछ नहीं कर पाए, अरे भाई दुनिया में सबसे एक साथ कैसे लड़ेंगे, किस किस से लड़ेंगे, तो सिंपल चीज है, उनकी जो चिंता है, उनका जो गुस्सा है वो ट्विटर पर निकाल दें काफी है, लेकिन अल्टीमेटली वो कोई बड़ा ऐसा डिसीजन ले पाएंगे जो कि दुनिया भर के बाजारों को हिला दे, वो खुद जानते उन्हें ऐसा नहीं करना और वो करेंगे भी नहीं, तो मुझे लगता है उनका एक सेंटिमेंट असर के लिहाज से जो असर पड़ना है वो पड़ेगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। जी बिल्कुल अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का और ये बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में होंगे? जी गुड मॉर्निंग मानसी, कल बाजार बंद होने के बाद काफी सारी अहम खबरें आई हैं, शुरुआत सबसे पहले लेकिन नतीजों से करते हैं आज के अहम ट्रिगर से। आज आदित्य बिरला फैशन और रिटेल अपने नतीजे घोषित करेगी चौथी तिमाही के, जहां पर की आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा जेट एयरवेज भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि जेट एयरवेज में हिस्सा बिक्री के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन है। और इसके अलावा जेट एयरवेज से जुड़ी कुछ और भी खबरें आ रही हैं,
पायलटों ने लीगल नोटिस दे दिया है कंपनी को और सैलरी का भुगतान में देरी करने के चलते ये नोटिस दिया गया है। और इसके अलावा 14 अप्रैल तक की समय सीमा पायलट की तरफ से दी गई है कंपनी को, जिसके बाद वो अपनी उड़ानें रद्द कर सकती हैं, कामकाज बंद कर सकती हैं। तो इन तमाम खबरों के चलते जेट एयरवेज पर आज नजर रखिए। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट की बात करें तो पॉलीकैब आईपीओ का आखिरी दिन 52 गुना सब्सक्राइब यहाँ 52 गुना भरकर बंद हुआ ये आईपीओ और 18 अप्रैल को कंपनी की लिस्टिंग होगी, तो इस आईपीओ पर नज़र रखिए। इसके अलावा आज कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। एचडीएफसी बैंक पर नज़र रखिए, खबर आ रही है कि आज 1 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हो सकती है, लगभग 2500 करोड़ के आसपास की ये डील होने की संभावना है और 2219 से 2287 के भाव पर ये सौदा हो सकता है, यानी कि मौजूदा प्राइस से करीब 3% के डिस्काउंट पर ये सौदा हो सकता है। बड़ी ब्लॉक डील होने की संभावना है, जिसके चलते आज एचडीएफसी बैंक में इसका रिएक्शन देखने की उम्मीद है। और इसी के साथ साथ एसबीआई पर भी नजर रखिए, बैंक ने एमसीएलआर के दरों में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और 1 मई से कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की दरें भी कम होंगी। तो इन तमाम खबरों के चलते इन दो बैंकों पर नजर रखिए। टाटा स्पॉन्ज उषा मार्टिन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है कंपनी में, करीब 4000 करोड़ में ये पूरी डील हुई है और पिछले साल 24 अक्टूबर को बोर्ड इसके लिए मंजूरी दी थी। तो आज टाटा स्पॉन्ज पर नजर रखिए। पेरेंशिया बायोटेक कल हमने देखा था शानदार तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में, अब कुछ और भी बयान निकल कर आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, लेनदारों के साथ समझौता कर दिया है और कुल कर्ज का करीब 65% भुगतान पर सभी लेनदार राजी हो चुके हैं। तो ये जो कर्ज कम करने को लेकर अपडेट आ रहा है, इसके चलते पेरेंशिया बायोटेक पर आज रिएक्शन देखने की उम्मीद है। महिंद्रा पर भी नजर रखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कंपनी फोर्ड के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करेगी, अगले 3 महीने में डील पूरी होते हुए दिखाई देगी और भारत में अब जो फोर्ड इस जेवी के जरिए कामकाज करेगी और महिंद्रा का इस जेवी में 51% स्टेक और फोर्ड का 49% स्टेक बताया जा रहा है। तो इस तमाम खबरों के चलते एमएनएम पर नजर रखिए। माइंडट्री 17 अप्रैल को डिविडेंड पर चर्चा करने के लिए बोर्ड की बैठक होगी, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में श्रीराम ग्रुप की तमाम कंपनियों पर भी नजर रखिए, क्योंकि बयान आ रहा है श्रीराम कैपिटल यूनिट्स अपने यूनिट्स का मर्जर कर सकती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का मर्जर संभव है और इस मर्जर के बाद टीपीजी और अजय पिरामल को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आज फोकस रखें। ओके, तो ढेर सारी खबरें और इन तमाम खबरों को भागते बाजार आज के सत्र के खुलने से पहले ही पूजा ने हमारे सामने विस्तार से रख दिया है। पूजा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता दें, कल का दिन रहेगा बेहद खास। 11 अप्रैल लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी और फर्स्ट फेज में करीब 20 राज्यों में 91 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो कल के को लेकर ये एक बड़ा इवेंट है जिस पर नजर होनी चाहिए। और विदेशी बाजारों से सुस्त संकेतों के बावजूद रुपए और क्रूड में जो लेवल देखने को मिल रहे हैं वो भारतीय बाजार को कितना सपोर्ट करते हैं देखना अहम है। लेकिन आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही है टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया और स्ट्रेटजी हमें बताएं। या गुड मॉर्निंग मानसी, मेरे ख्याल से निफ्टी को आज भी खरीद कर ही चलना पड़ेगा। निफ्टी जब तक 650 के आसपास आता है, अगर थोड़ा सा डीप मिलता है तो खरीदेंगे, 11640 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह नहीं है, या मार्केट अगर बहुत तेजी कूदता है तो वहाँ पे भी बाय करने का सलाह नहीं है। छोटा सा डीप में खरीदेंगे 650 के आसपास, 640 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, 720 और 750 ये दो टारगेट्स होगा ऑन द अपसाइड। ओके, तो इंडेक्स पर ये रुझान, खरीदारी करके चल सकते 11720 11750 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर नजरिया बना रहे हैं आप? स्टॉक में दो स्टॉक जिसके ऊपर मुझे आज खरीदारी करने का सजेशन देना पड़ेगा। एक तो मारुति, कल आखिरी सेशन में बहुत अच्छा बाइंग देखा गया था, मुझे लगता है मारुति का बाइंग आज एक्सटेंडेड होगा। 7210-7200 के आसपास खरीदने का सलाह है। 7170 या 65 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 7270 का पहला टारगेट, 7300 का दूसरा टारगेट। इंट्राडे का टारगेट मैंने दिया है। बेसिकली मुझे लगता है कि इस मूव में मारुति को 7450 से 7500 तक जाना चाहिए। दूसरा मेरा एक बैंकिंग सेक्टर में एक से एक बैंक अच्छा लग रहा है। येस बैंक में अच्छा खरीदारी कल देखा गया था, 270 के आसपास ही कल बंद हुआ था। 270 के आसपास खरीदने का सलाह है। 267 या 66 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 275 और 278 ये दो इंट्राडे के लिहाज से टारगेट्स हैं। ओके, तो क्लियरली दोनों ही इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर येस बैंक और मारुति सुजुकी पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। सिमी की तरफ से राय। सिमी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और अब वक्त है आज की ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। ट्रेडिंग कॉल्स एक के बाद एक आपको बता देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय से शुरुआत करते हैं। इनका मानना है कि विप्रो में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र में 273 के लेवल्स देखने को मिले थे। 279 के टारगेट्स को आज ध्यान में रखते हुए
खरीदारी करें। 268 के स्टॉप लॉस को यहां पर बनाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। 114 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 104 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बात करते हैं आईडीबीआई कैपिटल की। इनका मानना है कि आप कोलपाल में खरीदारी करके चल सकते हैं। यहां पर कोलगेट फ्यूचर्स में 1267 का टारगेट लगाना ना भूलें, और 1267 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए 1225 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। और साथ ही आईडीबीआई कैपिटल की राय डाबर पर भी है, यहां पर भी खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और यहां पर 418 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 398 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। चलिए, ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपके सामने रख दी, बाजार पर रणनीति हमने आपको बता दी, और अब वक्त है कमोडिटी बाजार का हाल जानने का। कमोडिटी बाजार में आज कौन से लेवल्स अहम है, ये जानने के लिए हमने बात की कार्वी कॉम ट्रेड के वीरेश हिरमत से, और उनकी राय बुलियन मार्केट पर है, खरीदारी करके चल सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने में आप खरीदारी करें, 32,300 का लक्ष्य यहां पर ध्यान में रखें, 32,100 के स्टॉप लॉस को लगाना। गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल ना भूलें, यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एनर्जी पैक की अगर बात करें, यहां पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, 4,520 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 4,400 का यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। और साथ ही रुपए पर भी इन्होंने एक रणनीति सुझाई है, इस रणनीति पर एक बार नजर बना लेते हैं। 69.05 के स्टॉप लॉस के साथ 69.60 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए डॉलर रुपी पे आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। तो एनर्जी पैक और साथ ही रुपी में अगर बात करें तो रुपए में मजबूती का रुझान बिल्कुल देखने को मिला। कल के सत्र में जब क्लोजिंग दिखी तो रुपए में एक पॉजिटिव कारोबार के साथ मजबूती के लेवल्स दिखाते हुए क्लोजिंग दिखी, जो कि भारतीय बाजार के लिए बेहद अहम है। और साथ ही क्रूड में जो लेवल्स देखने को मिल रहा है, इसका सपोर्ट भी भारतीय बाजार को मिलता दिख सकता है। एशियाई बाजार पर एक बार नजर बनाएं, देखिए हैंगसेंग में जो बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था, बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है। 257 अंकों की गिरावट का रुझान अब यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, और 29,900 के स्तर पर, जो कि 30,000 के पार कामकाज कर रहा था हैंगसेंग में, हांगकांग के बाजार में और ज्यादा बिकवाली गहराती हुई दिखी है। निकाई के बाजार भी देखें, यहां पर भी गिरावट का रुझान बिल्कुल बरकरार है, और गिरावट जो है वो गहराती हुई दिख रही है। करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव 21,605 के स्तर पर यहां पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 11,700 के स्तर को पचाकर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, इन लेवल्स को बनाकर रखने की पूरी कोशिश में, लेकिन बिकवाली का रुझान यहां पर भी है, 40 अंकों की गिरावट 11,709 के लेवल्स पर फिलहाल सेंसेक्स निफ्टी में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, जानने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई है मेरी रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आशर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज कौन से शेयर्स हैं? बिल्कुल, आज शुरुआत करते हैं इंफोसिस से। सीएलएसई का आज पॉजिटिव रिपोर्ट इंफोसिस पर आता हुआ दिखा है। यहाँ पे नतीजों से पहले सीएलएसई मानता है कि काफी पॉजिटिव स्टॉक यहाँ पे बन सकता है, और साथ ही खरीदारी की राय के साथ 930 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं, मान रहे हैं कि इस बार जो ग्रोथ आएगी वो काफी मजबूत रहने का अनुमान है। ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उसमें से इंफोसिस सबसे तेज या मजबूत ग्रोथ बता सकता है। FY20 की अगर बात करें तो सबसे तेज बढ़ने वाली आईटी कंपनी में से एक हो सकती है। चौथी तिमाही में लगभग $2 बिलियन के ऑर्डर्स मिलने या जो करार है वो होने की संभावना है, और ये भी बड़ी डील्स की बातचीत यहाँ पे सीएलएसई कर रहा है। और साथ ही वित्तीय वर्ष 20 में जो गाइडेंस है वो काफी मजबूत रहने का अनुमान है, 7-9% की कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस का यहाँ पे अनुमान आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आज सीएलएसई के सेंचुरी प्लाई पर डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है, उन्होंने अपनी रेटिंग भी घटा दी, और साथ ही बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य 174 का दे रहे हैं, और साथ ही मार्जिन्स पर दबाव की आशंका है, मान रहे हैं कि अर्निंग्स यहाँ पे काफ़ी नरम रह सकते हैं। साथ ही आज जेफरीज के ICICI प्रूडेंशियल पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पे वो अंडर परफॉर्म है और लक्ष्य 285 तक के दे रहे हैं, और मान के ये चल रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वहाँ पे हमें काफ़ी नरमी देखने को मिल सकती है इस बार भी, और HNI जो यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं इससे थोड़ी सी जो चिंता है वो बढ़ती हुई दिखी है। अर्निंग्स यहाँ पे थोड़े से पीक आउट होते हुए दिख रहे हैं, मार्जिन्स ऊपरी स्तर पर यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखे हैं। साथ ही आज जेम फाइनेंशियल्स का ब्लू स्टार पर आज रिपोर्ट आई है, जहाँ पे होल्ड रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया है, 700 तक के लक्ष्य हैं, और साथ ही वो मान रहे हैं कि मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ने का अनुमान है। और आखिर में मोतीलाल ओसवाल की आज AB फैशन पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने कवरेज शुरू किया है, 260 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि पैंटलून से अच्छी ग्रोथ आने का अनुमान है, आज उसके नतीजे हैं, और साथ ही जो पोर्टफोलियो मिक्स है उसी ग्रोथ को काफी सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल देवांशी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पाव ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे फास्ट मनी। अब फास्ट मनी में लग रहा है IPL का तड़का, यानी नए अंदाज में मुनाफे का मौका देने वाली 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बने रहें जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।